सरोकार। मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ चुका है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने ठाकरे का सारा खेल बिगाड़ दिया है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो उधर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ चुका है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने ठाकरे का सारा खेल ही बिगाड़ दिया है, जिसके चलते उधर ठाकरे की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो उधर उधर ठाकरे ने कहा है कि उन्हें सत्ता से कोई लालच नहीं है और वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। बता दें कि कुछ ऐसा ही वाक्या 30 साल पहले यानी 1992 में हुआ था। उस वक्त शिवसेना के सुप्रीमो बाल ठाकरे ने भी इस्तीफे की पेशकश की थी। दरअसल पार्टी के कई नेताओं ने उनकी कार्यशैली पर उस वक्त सवाल उठाए थे और तब बाल ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा था कि अगर एक भी शिव सैनिक मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ खड़ा होकर कहता है कि मैंने आपकी वजह से शिवसेना छोड़ी या आपने हमें चोट पहुंचाई, तो मैं एक पल के लिए भी शिवसेना प्रमुख के रूप में बने रहने के लिए तैयार नहीं हूं। बाल ठाकरे के इस लेख का शिव सैनिकों पर खासा प्रभाव पड़ा था, जिसके चलते शिवसेना भवन के सामने लाखों कार्यकर्ताओं का उनके समर्थन में जमावड़ा लग गया था और इसके बाद पार्टी पर उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई थी और अगले 20 साल तक उन्हें इस तरह के विद्रोह का कभी सामना नहीं करना पड़ा। और अब 30 साल बाद उद्धव ठाकरे भी उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने भी बाल ठाकरे की तरह अपने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की है। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने के चलते उद्धव ठाकरे फेसबुक के जरिए लाइव आए थे। उन्होंने कहा, मेरे अपने विधायक मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, अगर उन्हें लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो सामने आकर बोलें, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा तो मुझे दिक्कत नहीं, बहुत खुशी होगी। तकलीफ इस बात की है कि एनसीपी और कांग्रेस मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे अपने नहीं है। सवाल ये उठता है कि उनकी भावुक अपील का एकनाथ शिंदे पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल शिवसेना प्रमुख उम्मीद कर रहे होंगे कि ये भावनात्मक संबोधन उनकी पार्टी के रूठे विधायकों के तालमेल को बिठाएगा और उनका ये भी मानना है कि अतीत में इस तरह के हर विद्रोह के बाद पार्टी और भी मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस